नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ एफएस ब्रांच फतेहपुर सीकरी की और यहां देख सकते हो आप किस प्रकार ग्रामीणों ने पीड़ा बताई है कि ये पुलिया है जिस पर होकर ग्रामीण निकलते रहते हैं, किसान अपने खेतों पर जाते हैं, ग्रामीण अपने घरों के लिए जाते हैं, परंतु ये पुलिया 20 वर्ष पहले की टूटी हुई बताई गई है। टूटी हुई पुलिया और नहर की सफाई ना होने पर किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया है। किसान बोले, काफ़ी समय से यहाँ सफाई नहीं हुई और लगभग 20 वर्ष से अधिक से यह टूटी हुई पुलिया पड़ी है जिसमें होकर किसान अपने घरों के लिए निकलते हैं, खेतों के लिए निकलते हैं। यहाँ पर अक्सर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटते रहते हैं। जब किसान अपनी फसल को घर ले जा रहा होता है तो अक्सर इस पुलिया से होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाते हैं। वहीं महिलाओं ने बताया है, कई महिला इसमें गिरकर चोटिल भी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ग्रामीण एकत्रित हैं और किसान नेता श्याम सिंह चाहर और समाजसेवी सुनील पारासर ने यहाँ आज दोपहर यानी 8 तारीख की दोपहर से एक विशाल अनशन धरना और भूख हड़ताल का ऐलान किया है, जो कि नहर में ही भूख हड़ताल लगेगी। तो आप मेरे साथ देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार ये नहर की पटरी पर आग जलाई जा रही है। एफएस ब्रांच फतेहपुर सीकरी की ये तस्वीरें हैं जिसमें ये देखिए 20 वर्ष से अधिक से पहले से टूटी हुई पुलिया पड़ी हुई है। यहाँ के किसानों ने बताया है कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करा दिया है, शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया है और नहर विभाग सिंचाई विभाग को भी कई बार अवगत करा दिया है। इसके बावजूद भी देख सकते हो तस्वीरों में ना तो नहरों की सफाई समय से हो पा रही है, ना ही नहरों में पानी समय से आ रहा है, जिस कारण किसान काफ़ी परेशान है। और किसानों ने ऐलान किया है कि वह 8 नवंबर दोपहर 12 बजे से नहर के बीच टेंट लगाकर किसान नेता श्याम सिंह चाहर और समाज सेवी सुनील पारासर के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठेंगे और भूख हड़ताल नहर के अंदर ही करेंगे। उनका कहना है कि जब तक उनकी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सुध नहीं लेंगे तब तक वो नहर में ही इसी प्रकार बैठे रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। तस्वीरों में आप देख सकते हो किस प्रकार किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हैं, मौजूद हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं और आज 12 बजे से यहां एक धरने का आयोजन किया जा रहा है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। चार साहब, क्या मामला है इस नहर वाला? ये किसान यहाँ का बहुत ज़्यादा पीड़ित है, कई जगह कमियाँ भी मिली हैं और यहाँ पर किसान बता रहा है कि 4-5 साल से इसकी न तो खुदाई हुई न सफाई हुई। तो किसानों के मांग के ऊपर किसान भी इस नहर में एफएस ब्रांच में गांव हंसपुरा है वहाँ पर जब किसान ही भूख हड़ताल पर टेंट लगा के नहर में बैठेंगे तो हम क्यों नहीं उनके साथ में बैठेंगे। जब तक नहर की सफाई प्लस पानी और प्लस इस पुलिया का निर्माण नहीं हो जाता न तो कोई किसान नहर से बाहर जाएगा, इसी में ही खाएगा, इसी में कुछ किसान नहीं भूख हड़ताल कर सकता, इसी में खाएगा, इसी में पिएगा और इसी में ही भूख हड़ताल पर रहेगा। यह किसानों की मांग है। तो किसानों ने ऐलान भी किया है, कहा भी है कि 8 तारीख से गांव हंसपुरा पर टेंट लगा करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो हम भी उनके समर्थन में बैठेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार पारासर है, मैं समाज सेवक हूँ। नहर विभाग वाला क्या मामला, पुलिया वाला क्या मामला है? पुलिया 200 साल से पुलिया नहीं बनी है, मेरे गांव पे ही दो पुलिया हैं, दोनों टूटी पड़ी हैं। यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे थे, उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दी गई, संबंधित विभाग को सूचना दी गई, तहसील में सूचना दी गई, प्रिंट मीडिया को दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं आई थी, मेरे पास उनके प्रिंट भी हैं, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक हमें एक जरिया मिला है, किसान नेता श्याम सिंह चाहर जी, इनसे उम्मीद बनी है किसानों की और इनका अगर नेतृत्व में सही जैसे मतलब 8 तारीख को हमने इनके नेतृत्व में और एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के लिए यहाँ टेंट लगा करके हम नहर में ही बैठेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे, कोई दिखावा नहीं हो, किसान के लिए पूरी तरह से चाहे कितने भी दिन हो जाए हम तब बैठेंगे जी, हमारी मांगें जब पूरी हो जाएंगी। 8 तारीख से किसान नेता श्याम सिंह चाहर के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना प्रदर्शन, जरूरत पड़ी भूख हड़ताल और उग्र प्रदर्शन जैसे आगे बढ़ता ही चला जाएगा और ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ये इसका रूप कम नहीं होगा, फिर ये बहुत मुश्किलें हो जाएंगी विभाग के लिए, सरकार के लिए। ये नहर पुलिया का और ये सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? वैसे विभाग जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, सबको सूचित कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार सिंह उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? हंसपुरा के। यहाँ की कम से कम 50 बार कह दी होगी, जो जेई आएंगे वो ही कह जाएंगे, अब के महीने में बन जाएंगे, दूसरे महीने बन जाएगा, तीसरे महीने में बनाएंगे। अच्छा, नहीं ये बताइए, ये पुलिया की अगर जेई नहीं सुन रहे हैं आपके, तो आपने जिला अधिकारी आगरा या अन्य किसी अधिकारी को अवगत कराया? देखो साहब, MLA MPO से दोनों से क्या है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। वर्तमान में वालों से कहा है? हाँ, वर्तमानों से भी क्या है, जब जो वोट लेने आते हैं उस समय कहा, उसके बाद में ही कहा है, पर मतलब कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह देते हैं आप लोग? हाँ हाँ, करके चले जाते हैं, कुछ नहीं, केवल अपना वोट से मतलब है, अपने पद से मतलब है, उन्हें किसी जनता से मतलब नहीं है। आप इसमें से वो कैसे निकलते हो इस पुलिया पर? जैसे मिट्टी डबाते हैं, आई साल काम के चंदा करते हैं और फिर मिट्टी डबाते हैं, जब करते हैं कट जाती होगी, फिर मिट्टी डबाएंगे। अभी इसमें मिट्टी डली है, अब किसान क्या करे, किसान। अच्छा, ये नहर पे यहाँ कोई हादसा भी हुआ है? हाँ हुआ है, एक बार नहीं, 20 बार हो चुका है। ये टूटा है, ये यहाँ से बल्द के ऐसे। क्या नाम है आपका? मुन्नी। ये बताइए, ये कौन सा जगह है, ये कौन सा गांव बोलते हैं? ये हंसपुरा गांव है साहब। ये नहर में ये पुलिया दिख रही है टूटी हुई, कब से टूटी पड़ी है? पुलिया कब से? 20 साल से ज़्यादा है। तो कहाँ को निकलते हैं लोग? कहूँ को नहीं, अब लेकर भीगना जहाँ तो गिर दो चीज़ें धुलाई जाओ तो दो चीज़ें इंजाम लेकर भी कोई बुझना है, हम समस्या ही इसी पे होकर निकलते, यही पता लगाते हैं, कोई गिर जाए अच्छा, कोई मर जाए। बरसात में मिट्टी कट जाती होगी तो कैसे जाते होंगे? रिपट रिपट गिर के जाते हैं, कैसे जाने? ये मिट्टी कौन डलवाता है? मिट्टी ऐसा हो गया जैसे कहो टोल भरना लगे तो कोई गांव को कोई छींचो भगे और नौ दो नीचे डरवा देते। तो कोई देखने आया, कोई सांसद बताया? कोई दिया कि बना आ जाओ, देखो हाँ साहब, ये पुलिया बनवा देंगे, कोई ऐसा सफाई करवा देंगे, कोई फलान का, फिर पीछे कच्छी ना है, कोई आवे ना पीछे। अभी कोई हाल में पैंतो तीन बजे बनी हम। अच्छा, कोई बता रहे हैं कोई वाहन भी पलट गया था? हाँ, ये वाहन पलट हुआ यहाँ, ये जगह टोल पलट हुआ। बोलो, क्या नाम है आपका? चंद्रवती। कहाँ के रहने वाले हो? कांचपुरा के। अच्छी पुलिया दिखाई दे रही है, इसमें बड़ा है, कितने वर्षों से इस प्रकार? अरे जा तो कितनी साल है गई, जाके कोई साल सफाई नहीं, कोई बनवाई नहीं, कुछ नहीं, वो जाए आप ट्रैक्टर लेके और या अपना रास्ता पास करते हैं, और कोई अधिकारी आवती ना कुछ करते ही ना, देखभाल और चले जाते वह छुट्टी। सांसद विधायक आते हैं आपके यहाँ? कोई ना आए उन्हें, क्या कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं, और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाए, आदमी हम पुलिया में भीतर अंदर ऐसे ऐसे धमारे है रे, तो वह में ते गिर जाते, फंस जाते आदमी ने निकालिए। तो फिर क्या मिट्टी किसने डाली फिर? गाँव वाले ने, अपने आप? अपने आप गाँव वाले ने डाली मिट्टी, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? कुछ नहीं करा किसी ने। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। ये नहर जो दिखाई जा रही है, इस पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है प्रशासन की ओर से, तो क्या यहाँ सफाई हो रही है? नहीं, कब से सफाई नहीं हुई है? सफाई फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते बस पुलन के पास में बस, और खुदा खा गई। इस समय मौजूद हूँ आप मेरे साथ फतेहपुर सीकरी नहर FS ब्रांच पर, और यहाँ हंसपुरा पर बड़ी संख्या में मेरे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। ग्रामीणों का कहना है, जो आप देख रहे हो तस्वीरों में, यह पुलिया लगभग 20 वर्ष से टूटी हुई पड़ी है और इसी में होकर यहाँ के किसानों को निकलना पड़ता है। किसानों ने बताया है कई बार उनकी फसल सहित ट्रैक्टर ट्रॉली इसी नहर में पलट गए हैं, इसके बावजूद भी क्षेत्रीय सांसद और विधायक के साथ साथ शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया गया है, इसके बावजूद भी कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों की मांग पर यार जहाँ किसान नेता श्याम सिंह चाहर आए और उन्होंने ग्रामीणों की पीड़ा सुनी। ग्रामीणों ने बताया है कि वो श्याम सिंह चाहर के नेतृत्व में अगर 7 तारीख यानी 7 नवंबर तक नहर की सफाई और पुलिया पर कार्य शुरू नहीं होता है तो वह 8 तारीख से नहर में टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।